हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वाली क्लास में। और ये है प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन का सेकेंड वीडियो। ठीक है, तो उसके पहले कि आगे बढ़ाएं, आप कुछ चीजें समझ लें। सबसे पहले BD10 वर्सेस माय रेफरल कोड। जब भी आप कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ध्यान रखें, BD10 जरूर लगाएं। आप ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, मीन्स की आप बैंक SSC लेते हैं या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है और वो अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो बोलेगा BD10 इस्तेमाल करें। BD10 इस्तेमाल करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा चलो, तो ये दूसरा है, बसंत त्रिपाठी नाम से एजुकेटर ऐप पे मैं मिल जाऊंगा, अनअकैडमी ऐप पे मिल जाऊंगा। तो अनअकैडमी ऐप पे बसंत त्रिपाठी बैंक सेगमेंट में मुझे सर्च करके उस जगह पे फॉलो जरूर करें। ठीक है ना? अब इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीजें देखो, स्टेप प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन अब मेंस के हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर दिए। अभी तो ये आपका जो है वो प्रीमियर चलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मंडे से ही वो जब लाइव हो जाएगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और फिर से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा हाई लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। राइट है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ चीजें। जैसे शेड्यूल के बारे में बात कर रहा था, 6 PM ये लाइव हो जाएगा इस जगह पे जहां पे आप देख रहे हैं, ये मंडे से फ्राइडे चलता ही चलता है। 9 PM प्रीमियर जस्ट बसल, ये अब ये TTS था, ये हो जाएगा मंडे से सैटरडे। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखेंगे तो उसको जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे 7:30 PM लाइव 1000 प्लस सीरीज चल रहा है मंडे से फ्राइडे तक, ये वाली चीज देख लेंगे। ठीक है ना? और ये 12 बजे IBPS क्लर्क बूस्टर हो जाएगा। ठीक है ना? ये है क्लर्क बूस्टर मंडे से सैटरडे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे हम बात करना चाहें कि प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन, तो प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन का पहला वाला जो पार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात करी थी, कैसे क्वेश्चंस को करना होता है, क्या चीजें देखनी होती है, प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके सोल्यूशन पे कैसे जाते हैं, उसके लिए स्टेप्स क्या है, वो सारी चीजें वहां पे बताई है हमने। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट करूंगा। जैसे देखो, प्रॉब्लम सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम का डिस्कशन किया गया होगा, दिया गया होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली वो चाह क्या रहा है, किस प्रॉब्लम को वो हाईलाइट करना चाहता है, फिर प्रॉब्लम के हिसाब से ये पता चलता है कि वो इमीडिएट एक्शन की डिमांड कर रहा है या फिर डिमांडिंग फॉर परमानेंट एक्शन, है ना, कि मतलब अस्थाई सोल्यूशन वो चाहता है, वो डिपेंड करता है, वो टाइम फ्रेम या कुछ ऐसा मेंशन करेगा, वो बताएगा, उस हिसाब से स्टेटमेंट पढ़ने पर पता चलता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएट भी जरूरत पड़ती है और परमानेंट सोल्यूशन की भी जरूरत पड़ती है, तत्काल रूप से फर्स्ट एड जैसे आप करते हैं ना, कहीं भी आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गए या किसी का एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड पहले करते हैं, तत्काल जो करते हैं वो ट्रीटमेंट, वो फर्स्ट एड मतलब इमीडिएट एक्शन होता है। और फिर उसके बाद अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हॉस्पिटल में जाना है, कोई ऐसा मेजर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो कराया जाता है। तो ऐसे यहां पे भी समझ सकते हैं, कई बार इमीडिएट और परमानेंट दोनों की जरूरत पड़ती है, मतलब तत्काल एक्शन भी चाहिए होता है और एक अस्थाई सॉल्यूशन भी चाहिए होता है। ठीक है ना? तो अब यहां पे लिखा हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम फेटल मलेरिया टाइप। ठीक है, वार्ड एक्स में ऐसा हुआ कि एक सिटी के ज्यादातर लोग मलेरिया से जो है वो ग्रसित पाए गए। अब मलेरिया किससे होता है, अब यहां पे आपको बता होना चाहिए, मच्छर से होता है। ठीक है ना? तो उसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग डायग्नोस हो गए, तो ये कहना चाह रहा है कि वो जो वार्ड एक्स इसने मेंशन किया है ना, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि वार्ड एक्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां पे लोगों को मलेरिया हो रहा है। तो एक तो इन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं उनके लिए तत्काल चाहिए होगा हाई अलर्ट पे कर देना या फिर उनको मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, एक तो ये बात होगी। दूसरा, वार्ड एक्स में ऐसी आगे घटनाएं ना हो तो उसका प्रिकॉशनरी मेजर क्या है और क्या चीजों से उसमें रोकथाम की जा सकती है, उसका एक्शन आएगा। तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले रूट कॉज की तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं, रूट कॉज देखते हैं। रूट कॉज अगर मिल गया आपको और उस पर एक्शन करना पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे रूट कॉज क्या है, मलेरिया अगर हो रहा है तो मच्छर की वजह से हो रहा है, इसका मतलब वार्ड एक्स में मच्छर हैं वहां पे बहुत ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब रूट कॉज वहां पे मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो के अगेंस्ट क्या एक्शन जा सकता है वो देखने वाला, अगर वैसा कोई एक्शन दिया हो तो वैलिड हो जाए। ठीक है, अब रूट कॉज अगर नहीं मिलता है तब आता है सेकेंडरी या फिर अल्टरनेट कॉज। ठीक है, सेकेंडरी कॉज अल्टरनेट, तो रूट कॉज अगर मिले
तो भी और मिलने के बाद एक्शन ना पॉसिबल हो तो भी सेकेंडरी कॉज पे एक्शन चलता है, ठीक है ना, वो मैंने बताया था, पहले वाले वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। फिर अगर उस पे भी एक्शन पॉसिबल ना हो तो प्रिकॉशनरी मीजर, मतलब अवेयरनेस फैलाना या प्रिकॉशन लेना, इस तरीके से चीजें जो है वो एक्शन के रूप में काउंट होने लगती हैं, ठीक है। हाँ, ये प्रिकॉशन। अब देखो यहां पे इसको पढ़ लिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहो। देखो, द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले वोल्ले में भी क्या होता है ऐसा, इस टाइम पे जब बरसात का समय आता है मलेरिया मच्छर की स्थिति ज्यादा पैदा होती है, तो उस समय देखा होगा कि गाड़ी आती है धुआं उड़ाते हुए, है ना, तो वही फ्यूमिगेशन का काम करती है, मतलब वो धुआं चलाती है जिससे क्या होता है मलेरिया के मच्छर जो है वो भागते हैं। तो ये बिल्कुल सही प्रॉपर एक्शन है, पहला वाला सही हो गया। द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। बिल्कुल सही है, ये एडवाइस भी लोगों को देना चाहिए कि भाई देखो ये मलेरिया हो रहा है मच्छर की वजह से, तो इसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर, या फिर अवेयरनेस फैलाना, या फिर उनको किसी तरीके से एडवाइस करना, है ना, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन ई, बोथ वन एंड टू फॉलो, दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली बात समझ में आई आप सभी लोगों को। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो अगला सवाल है और इसको ध्यान से पढ़ना, फिर इसके जो है कोर्स ऑफ एक्शन पे आते हैं, आप लोग एक बार इसको देख लो, राइट। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, शहर के मतलब देश के कई सारे हिस्सों में ऐसा हुआ है कि सूखे की स्थिति बन रही है, ठीक है। सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, कई सारे देश में ऐसी जगह है जहां सूखा होने की स्थिति है, तो अब गवर्नमेंट को ऐसे कंडीशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। तो अब देखो जब सूखे की स्थिति आती है, और प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट चूंकि एक ऐसी बॉडी है जो इन सब चीजों को गवर्न करती है या फिर ध्यान रखती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, यही ना होता है, तो अब गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि किसान के लिए और कोई ऑप्शन तो है नहीं, किसानी करना, खेती करना, अगर उसकी फसल ही खराब हो गई तो उसको कुछ सपोर्ट की जरूरत ऐसी कंडीशन में होती है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दोज अफेक्टेड एरियाज, यहां पे होना चाहिए, ठीक है ना, दोज अफेक्टेड, ठीक है, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब जैसे उसे कहते हैं मुआवजे के रूप में चीजें देना, तो बिल्कुल सही चीज है। इसका मतलब पहला वाला स्टेप जो है वो बिल्कुल वैलिड स्टेप जा रहा है अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है। आते हैं दूसरे वाले में, फूड वाटर एंड फॉडर शुड immediately be sent to all these areas to save the people and cattle, ठीक है ना। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये अब देखो यहां पर चूंकि सीवियर की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सीवियर ड्रॉट, मतलब भयावह सूखा की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो इमीडिएटली जो जरूरत है, एक तो ये हो गया कि आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे जो उनका नुकसान हुआ मुआवजा, चूंकि किसान क्या करते हैं अगर कोई फसल पैदा करता है तो अगली फसल की तैयारी भी इसी फसल की इनकम से करता है, भाई किसान के पास तो यही सोर्स होता है ना, तो वो इसी फसल से, अब ऐसा मत सोच लेना कि किसान का एक बेटा जो है बंबई में रह रहा है, वहां पे फिल्म एक्टर है या फिर कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है तो वो पैसा कमा रहा है वो भेज रहा है, ऐसे नहीं कंसिडर करा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन बताई गई है उसमें जनरल लोगों को लेकर चलना है आपको, जनरल किसान एक मतलब जो एक कोर किसान होता है उसके हिसाब से आपको सोच के देखना है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई उसको खाने के लिए किसान करता है क्या, उगाता है वही खाता है, उसी से वो खाता भी है, वही बेच के या फिर आप कहें उस कुछ हिस्सा बेच के हाउस होल्ड की जो जरूरत की चीजें होती हैं वो लेके आता है और उससे जो उसका खर्चा चलता है वो इसी तरीके से चलता है ना। तो यहाँ पे फूड वाटर एंड फॉडर शुड इमीडिएटली बी सेंड टू ऑल दीज एरियाज टू सेव द पीपल एंड कैटल, बिल्कुल सही है, ये भी सही एक्शन क्योंकि यहाँ पे बहुत सीवियर जो है ड्रॉट की बात कर रहा था, राइट ना, तो दोनों यहां पे भी सही हो जाएंगे। अगले वाले पे आते हैं, चलो
इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इसको खुद से करने की कोशिश करना है आप सभी। एक्सपोर्टर इन द कैपिटल आर एलिजिंग दैट कॉमर्शियल बैंक्स आर वायलेटिंग अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स टू ऑपरेट अ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट डिनोमिनेशन इन फॉरेन करेंसीज एट इंटरनेशनल रेट फ्रॉम जनवरी दिस ईयर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। देखो यहां पे समस्या किसकी तरफ से, बैंक। अब ये किन लोगों ने किया, एक्सपोर्टर्स इन द कैपिटल आर मतलब जो राजधानी के जो एक्सपोर्टर हैं उन लोगों का एक उन लोगों की शिकायत है कि कॉमर्शियल जो बैंक्स है ना वो आरबीआई की गाइडलाइंस को वॉयलेट कर रहे हैं। और वो कैसे वॉयलेट कर रहे हैं कि जो शिपमेंट के बाद जो क्रेडिट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी होता है उसको इंटरनेशनल रेट के हिसाब से वो नहीं दे रहे, समझ लिया ना। मतलब ये कहने का मतलब है जैसे मान लो कि भाई डॉलर की कीमत कुछ और चल रही है, ठीक है ना, और जब वो भाई अब जब एक्सपोर्ट कर रहा है कोई अगर तो उसको करेंसी फॉरेन करेंसी में मिला फिर उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो एक्सचेंज करने में जो रेट मिलना चाहिए वो उस हिसाब से जो कुछ कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो रेट नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे अब ये तो बहुत मेजर समस्या है ना, क्योंकि एक और यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि वॉयलेटिंग आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसको वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सीधे सीधे इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर एक्शन आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो आप किसके खिलाफ एक्शन जाएगा वो चीजें देखो। अथॉरिटी हमेशा अथॉरिटी होता है। द ऑफिसर्स कंसर्न इन द कॉमर्शियल बैंक आर टू बी सस्पेंडेड, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है द आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स टू कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। अब आरबीआई को, अब देखो मैं एक चीज बोलूंगा कि ऐसा वॉयलेशन करना तो इस कंडीशन में चूंकि आरबीआई की गाइडलाइंस को वॉयलेट कर रहा है और यहां पर सस्पेंशन की बात कर रहा है। मैंने आपको एक बात अगर आप ध्यान करें तो मैंने आपको बताया था कि किसी तरीके का सस्पेंशन या इस तरीके की चीजें जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी सही नहीं जाती, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, पहले एक कमेटी बैठती है, इंक्वायरी होती है और उसके बाद चीजें जब पता चलती है प्रॉपरली उसके बाद ही सस्पेंशन होता है। तो यहां पे ये कहना कि डायरेक्टली ऑफिसर्स को ही कंसर्न इन द कॉमर्शियल बैंक्स आर टू बी सस्पेंडेड, ये डायरेक्टली कहना और सस्पेंशन इज द हार्श एक्शन ऐसा जैसा मैंने आपको बताया था, तो ये कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में वैलिड नहीं हो जाए, ठीक है ना। अब दूसरे एक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा एक्शन क्या है, द आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। अभी कह रहे हैं कि आरबीआई को ऐसी कोई गाइडलाइन ही, मतलब ये तो एक तो दो उल्टी बात कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एक तो एक्सपोर्टर्स को समस्या हो रही है, रूल के हिसाब से उनको चीजें मिल नहीं रही है नियम कानून के हिसाब से, ऊपर से ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून ही नहीं होना चाहिए, मतलब जो कानून तोड़े वो ये एक्सक्यूज दे कि ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए, तब तो चलो ठीक है, वो एक बार में समझ में आता है। अब आपको एक्शन अगर लेना है तो आप एक्शन लेने में ये कहेंगे अच्छा चलो कानून ही हटा दो, ऐसा कोई नियम ही सभी हटा दो, तो नहीं, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू फॉलोस, दोनों ही नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट इज गिवेन, देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजेस टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्या, अब जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि लॉजिकल रीजनिंग पूरा लैंग्वेज का गेम होता है, हर एक वर्ड जो है वो मायने रखता है। तो क्या लिखा, देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजेस टू अर्बन एरिया, मतलब गांव से बहुत ज्यादा लोग, मतलब जो सोचा भी नहीं है ना, कल्पना से भी ज्यादा लोग जो है वो गांव से शहर की तरफ आने लगे हैं। तो अब अच्छा, चूंकि बैलेंस भी बनना जरूरी है, कोई माइग्रेट कर रहा है तो समस्या वहां क्यों माइग्रेट कर रहा है वो समस्या है, मतलब जो ये आइडेंटिफाई कर, जो मतलब जो प्रॉब्लम ये हिट करना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं
कि कोई तो मेजर समस्या है। और इनफैक्ट इन्होंने बाद में वो प्रॉब्लम को बताया भी है कि कई बार मतलब लगातार एरियाज आर रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू प्रीसियस फाइनेंशियल सिचुएशन, प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। मतलब ये जो लगातार जो क्रॉप्स थी ना उनकी वो खराब होती गई, तो ऐसी कंडीशन बनी जिसमें वो मतलब बहुत बुरी स्थिति में वो पहुंच गए, बहुत बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी हो गई, और फिर मजबूरन उनको मतलब लेबर का काम कर रहे हैं, जिस भी वजह से उनको लगा अर्बन एरियाज में चला जाए कुछ काम मिल जाए। तो ये एक प्रॉब्लम कह रहे कि वो अब यहाँ पे हिट करने वाली बात ये कि क्रॉप का फेलियर तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो माइग्रेशन रुकेगा उससे जो कि उसी से लिंक है, ठीक है ना। तो माइग्रेशन को इंडिकेट करना दैट इज द प्रोसेस, वो बताना चाह रहे कि ये चीजें हो रही हैं और रीजन क्या है ये, तो एक समस्या को बताने के लिए वो और उसके आसपास की चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम जो बताई गई माइग्रेशन की प्रॉब्लम बताई गई, लेकिन माइग्रेशन क्यों, क्योंकि जो क्रॉप का लगातार फेलियर, तो ये फेलियर तो ये एक प्रॉब्लम बताएगी। आप देखो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो अब रूट कॉज तो ऐसे अनआइडेंटिफाइड रूट कॉज है, क्योंकि यहाँ पे अभी एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि क्यों लगातार ऐसा हो रहा है कि वहां पे क्रॉप्स फेल हो रही हैं, तो उसका तो वो प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेट करके और फिर उस पर एक्शन लेने की जरूरत, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है और सर ये कोई एक्शन दिया हो तो वैलिड एक्शन हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द विलेजेस शुड बी प्रोवाइडेड विद ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। बिल्कुल सही है। चलो एक समस्या जो आपने यहाँ पे कही कि वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो माइग्रेशन वाली समस्या अगर उनकी वहीं समाप्त हो जाए, मतलब चलो क्रॉप तो फेल हो गई, तो उसकी जगह पे अगर उनको सोर्स ऑफ इनकम कहीं वहां पे जनरेट किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में भी माइग्रेशन रुक सकता है। एक तो ये माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहा है पहला वाला से। फिर दूसरे कहते हैं माइग्रेटेड विलेजेस शुड बी प्रोवाइडेड विद द जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। आप देखो प्रॉब्लम ये दो चीजें बता रहा था कि ए माइग्रेशन को ये प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़े, तो ये एक समस्या ही तो है, और वो भी मजबूरी में, तो इसका मतलब उस समस्या का समाधान देना है, ना कि ये कह देना अच्छा ठीक है चलो ये ऑल्टरनेटिव में प्रोवाइड कर देना, यहां नहीं बना तो नहीं बना, चलो मैं दूसरी जगह तुम्हें काम दिलाता हूं, है ना, गांव छोड़ दो अपना घर छोड़ दो। तो मैंने आपसे बताया था कि ऑल्टरनेटिव इज नॉट एन एक्शन, कि जो समस्या को अगर आप सोल्यूशन नहीं दे पा रहे तो आप कह देंगे नहीं चलो छोड़ो इसको जाने दो, दूसरा कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, ना ना ना, जो प्रॉब्लम बताई गई उसका ही सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद द जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। ये मैं गलत बोलूंगा और ये कतई गलत है। इससे क्या आपकी समस्या का समाधान होगा बताओ? क्या आपकी समस्या जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी और जो क्रॉप फेलियर की प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया, राइट ना? तो ये गलत हो गया, इसका मतलब ये कोर्स ऑफ एक्शन ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, सो दैट इज रॉन्ग। अब माइग्रेशन को रोकना और क्रॉप, अगर आप देखो अब क्रॉप इस ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, तो इस वाले का समाधान तो इन्होंने पहले वाले में दे दिया कि वहां पे अगर ऑल्टरनेट इनकम सोर्स की व्यवस्था कर दी जाए तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन आपके सामने, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो भाई क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट द खरीफ क्रॉप हैज बीन अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स फॉर कंसेक्यूटिव 3 years इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द फार्मर्स हार्वेस्ट लेस देन 50% ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज ईयर्स। अभी देखो क्या टिड्डी दल वाला खेल हुआ था ना, अभी कोविड काल में ही आपने देखा होगा कि टिड्डियों का अटैक हुआ, ऐसे ही ये इस तरीके की इंसेक्ट्स जो है उनसे लगातार 3 सालों में एक डिस्ट्रिक्ट, इन द डिस्ट्रिक्ट कहा गया ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द खरीफ क्रॉप हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स फॉर कंसेक्यूटिव 3 years इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द फार्मर्स हार्वेस्ट लेस देन 50% ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस ईयर्स। मतलब ऐसी स्थिति बन गई कि जो उनका नॉर्मल प्रोडक्शन होता था उसका 50% डाउन हो गया, समझ रहे ना, तो क्या हो उसका 50% डाउन हो गया। तो 50% डाउन होने का मतलब, या इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम, और वो इंसेक्ट वाली प्रॉब्लम डायरेक्टली इन्होंने रूट कॉज भी इन्होंने इंडिकेट कर दिया। तो आप जो भी एक्शन जाना चाहिए, एक तो प्रिकॉशनरी एक्शन, जैसे गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, मैंने शुरुआत में भी ऐसे क्वेश्चन दिखाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था
तो गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जो इन सब चीजों को मॉनिटर करती है, तो किसानों के लिए फिर वहां पे मुआवजा देना और उनकी मदद करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, वो सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। वो एक इमीडिएट एक्शन, और दूसरा परमानेंट एक्शन, अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जा सके जिनसे टिड्डियों को भगाया जा सके, या किसानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा सके कि किस तरीके से जो है वो टिड्डियों को भगाएं, या फिर इस इंसेक्ट्स को किस तरीके से खत्म करें। टिड्डी नहीं, कोई भी इंसेक्ट मान लो फसल को खा जाते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, तो उनको कैसे खत्म करना है, उनके लिए दवाइयां क्या है या उसको प्रोवाइड करना, वो सारी चीजें एक एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन में आ जाएंगे। तो पहले वाले की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ, द फार्मर शुड सीक मेजर टू कंट्रोल द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल, चलो ठीक है। यहाँ पे चूंकि इन्होंने 3 साल कॉन्सिक्यूटिव 3 ईयर्स दिया था, तो ये रिफर करता है, जब ये ऐसी कोई बात कह रहा हो, टाइम फ्रेम दे रहा हो कि पिछले 3 सालों से ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये चाहता है कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो। तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर है कि आगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ द फार्मर शुड सीक मेजर टू कंट्रोल द अटैक ऑफ इंसेक्ट प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल हो सकता है, ये एक ऐसा जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, और किसानों को ऐसा करना चाहिए। चलो दूसरे पे आते, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप कॉन्सिक्यूटिव। अब देखो, इस साल जो खराब हुआ तो उसके लिए जो खरीफ की फसल खराब हुई है उसके लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी किसानों को, तो उसके लिए दूसरा एक्शन किया जाए, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप कंसिडरेबली टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ फार्म। बिल्कुल सही था, है ना, मतलब किसानों को थोड़ा सा उनकी जो फसल जो भी 50% ही हुई है, अगर उसका पैसा उनको ज्यादा मिल जाएगा तो भी उनके लिए वो एक तरीके की राहत हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन जा रहा है, सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 बार T लिख दिया गया है, बिल्कुल परेशान मत होना, हाँ इसको पढ़िए और बताने की कोशिश करिए, फिर मैं बात करता हूं उसके बारे में, राइट। तो यहां पे क्या है, देखो क्या कह रहे, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसीव्स द कंप्लेन ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइब टू डू द ड्यूटी ही इज सपोज टू, ठीक है। आप चूंकि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई ऑफिसर अगर इस तरीके के काम में एलिस्ट है तो वो ऑफेंसिव क्राइम है ना, तो यहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार में ही हार्श एक्शन वैलिड नहीं होता। तो देखो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है, सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन। नो, मतलब इंतजार करेंगे कि रंगे हाथों पकड़े तब नहीं, वो इंक्वायरी का पार्ट है। अगर ऐसी कोई कंप्लेन आ रही है तो वहां पर इंक्वायरी करी जानी चाहिए। फिर सीबीआई शुड वेट फॉर सम मोर, ये भी गलत है। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर आप इंतजार करेंगे तब तक और बहुत सारी घटनाएं हो चुकी होंगे। तो यहां पे ऐसे जैसे भी कुछ आया तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन का अगर दिया गया होता और फिर एक प्रॉपर फॉलोअप के बाद कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया होता, पेनाल्टी या जो भी कुछ, तो वो बिल्कुल वैलिड कहा गया होता। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए है, जल्दी से पढ़ेंगे और इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, चलो भाई हाँ भाई, पढ़ लिया, चलो हाँ, क्या लिखा हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन द कंट्री आर नॉट इन पोजीशन टू हैव गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एट प्रेजेंट एंड द नंबर ऑफ सच इंजीनियर इज लाइकली टू ग्रो इन द फ्यूचर। बहुत बढ़िया सी प्रॉब्लम बताई गई, अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन द कंट्री आर नॉट इन पोजीशन टू हैव गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको मतलब ऐसा जिससे इनकम हो सके, ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और आगे ये नंबर्स बढ़ने वाला है। तो इसका रूट कॉज देखें तो क्या है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो दे आर अनएम्प्लॉयबल। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सिस्टम की प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये हो सकती है, जिसके अगेंस्ट एक्शन जा सकता है कि भाई कई सारे कॉलेज तो ऐसे खुल गए, इंजीनियर्स बढ़ते चले गए, ठीक है ना, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हुआ, इस तरीके की चीजें हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो, है ना। तो आप देखो पहला वाला क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट शुड लॉन्च अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम एंड इनकरेज दीज ग्रेजुएट टू ऑप्ट फॉर, ये क्या होता है अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये कौन सी स्कीम होती भाई? है भाई, तो ये पहला वाला तो गलत है, समझ रहे हैं ना, तो ये पहला वाला गलत हो गया। ऑफर सच स्कीम टू यूज देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज इफेक्टिवली। अब देखो दूसरे पे आते, दिस हैपेंड ड्यू टू प्रोलिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री एंड देयरबाय लोअर्ड द क्वालिटी। ये देखो असली मुद्दे की बात इन्होंने यहां पे खेल, ठीक है ग्रेजुएट, दोज कॉलेज विच आर नॉट इक्विप्ड टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन शुड बी क्लोज डाउन। बिल्कुल सही एक्शन जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, जितने लोगों ने सेकंड कहा है बिल्कुल सही है आप लोगों का। आगे बढ़ो अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से ये क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको समझेंगे और कर ले जाएंगे।
हाँ, ये क्वेश्चन बना, बताएं। हाँ, हाँ, क्या लिखा हुआ है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स हैव बीन टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव। ठीक, सिचुएशन चल ही रही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो इंडिया को विजिट कर रहे थे, उनमें से लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो, वो सामने आपके रहा भी है कोर्स ऑफ एक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑन पीपल कमिंग टू इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स, इंक्लूडिंग दोज इंडियंस हु आर सेटल्ड इन कंट्री एक्स। बताओ क्या बैन किया था? कंप्लीट बैन कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और यहां पे इंक्लूडिंग दोज इंडियंस यहां पे बात करी है, ठीक है। हाँ, बहुत क्राइसिस की कंडीशन हो तो बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे प्रॉब्लम को आपको रिफर करना पड़ेगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स हैव बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिल रहे हैं, तो क्या करना होगा? बहुत बड़ी संख्या में अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो बैन करना पड़े, फिर उसके बाद बैन धीरे धीरे ओपन करना। तो यहां पे ये एक्शन क्या चला जाएगा? वैलिड चल। अब दूसरा देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली सेट अप अ डिटेक्शन डिटेक्शन सेंटर्स एट ऑल एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वारंटाइन दोज हु आर टेस्टेड पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, ये भी हुआ है आपके सामने प्रत्यक्ष राय। तो बोथ फॉलोज हो जाएगा, राइट आंसर ई ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये इंडिया हैज बीन कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम इट्स नेबर कंट्री, ये भी अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? मतलब पड़ोसी देशों से मिलिट्री थ्रेट्स मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में कंट्री को क्या करना चाहिए? आप देखो पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। अब ये देखो, ये सिचुएशन है, ये कैसा बेस्ड है? सिचुएशन बेस्ड है क्वेश्चन है, राइट ना। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अगर ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्शन होना चाहिए वो सिचुएशन को इंप्रूव करने वाला होना चाहिए, राइट। तो पहला वाला देखेंगे, इंडिया शुड एंगेज इनटू एन ऑल आउट वॉर टू स्टॉप द नैगिंग थ्रेड्स। आप देखो, ये वॉर इट इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सीधे लड़ाई पे आ जाएंगे, ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। क्यों ऐसा गलत कहा जाता है? क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सावधानी रखनी होती है, बहुत वल्नरेबल सिचुएशन होती है, क्योंकि आपकी इकॉनमी भी पीछे जा सकती है, कई सारी कैजुअलिटीज भी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैजुअलिटीज हो सकती हैं, बहुत तरीके के लॉस में भी आप आ सकते। तो वॉर को अवॉइड करना यह सबसे पहला सटीक सोल्यूशन होगा। कमिंग टू सेकेंड वन, इंडिया शुड गेट द नेबर्स इनटू अ सीरियस डायलॉग टू रिड्यूस द टेंशन एट इट्स बॉर्डर। बिल्कुल सही जाए। और अभी अगर आप देखें जो सिचुएशन चल रही है, उसमें भी इसी तरीके के कुछ एक्शंस लिए गए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। गेटिंग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश करें।
A recent study shows that children below 5 die in the cities of the developing countries mainly from diarrhea and parasite intestinal worms. किस countries की बात कर रहा है? Developing countries. एक ये general बात बता रहा है, एक general problem का discussion यहां पे किया गया. कोई specific country का नाम नहीं दिया गया. उसने डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में कहा. तो डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत अच्छी नहीं होती है, वो एक्चुअली धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब खराब सिचुएशन से ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं, उसी को तो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं. डेवलप कंट्रीज मतलब हर तरीके से चीजें दुरुस्त हो चुकी हो. मतलब अगर आप देखें तो मलेरिया, सॉरी जो जिसे आप कहते हैं भुखमरी के शिकार लोग किन कंट्रीज में नहीं होते? जो भाई जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे तो कंडीशन सही होती है ना, सबके पास खाने के लिए होते हैं. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही इस तरीके की प्रॉब्लम होती है. तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे भी बताया गया कि एक जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है या सभी के नहीं, एक जनरल आइडिया बताया गया. जनरली ऐसा होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे 5 साल से कम के बच्चों के में वो जो डेथ है वो डायरिया और पैरासाइट इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की वजह से होता है. तो आप इसके लिए सजेशन हो सकता है, जो एक्शन हो सकता है, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट की बात की जा सकती है. तो यहाँ पे पहला कोर्स ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री शुड टेक एडिक्वेट मेजर टू इंप्रूव द हाइजीन कंडीशन इन द सिटीज. बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि डायरिया ये हाइजीन से रिलेटेड है, ये वॉर्म्स इंटेस्टाइनल वॉर्म्स ये भी हाइजीन से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड. तो पहला वाला तो कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही जा रहा है. कंट्रीज बिलो 5 years इन द सिटीज of the developing countries needs to be kept under periodic medical checkup. बिल्कुल सही, ये भी एक precautionary action हो सकता है कि ऐसी countries में जो 5 साल के कम बच्चे हैं उनको पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत. तो दोनों सही हो जाएगा. यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना वो सभी समझ में. अब जब हम लोग एक बार लाइव करेंगे, मतलब उसको फिर से आएंगे, शुरुआत करेंगे, मेन्स के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे, तो वापस हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे और फिर एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन. क्योंकि मुझे लगता है ये वाला पार्ट जो है, जो आपका रीजनिंग का ये वाला हिस्सा है, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है मेंस के पार्ट पे, ठीक है ना. तो आप सभी लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए और ऊपर लेवल के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा. अभी तो बेसिक स्टार्ट किया है, तो एक जो है वो प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को कैसे देखा जाता है, ठीक है ना. बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने हैं, वो आगे हम कराते रहेंगे. उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा. BD10 मेरा रेफरल कोड है और इससे आप में से कोई भी प्लस का कुछ भी लेता है ना. तो प्लस अब जरूरी नहीं बैंक की, बैंक, SSC, रेलवे, JEE, UPSC, कुछ भी, कोई आपके जान पहचान में कोई लेने वाला है, भाई बहन, दोस्त यार, दोस्त के भाई बहन, कोई भी लेने वाला, अगर आपको बता दे तो प्लीज बोलना BD10 लगाने के लिए. 10% का ऑफ मिलेगा और यहाँ पे अनअकैडमी ऐप पे मैं एजुकेटर के रूप में मिल जाऊंगा बसंत त्रिपाठी नाम से, उस जगह पे जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा. उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा. तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके अलावा मेरा शेड्यूल ये आप एक बार फिर से देख लीजिएगा. यहाँ पे लाइव हो जाएगा 6 PM वाला लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे से लेकर फ्राइडे, मंडे से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना. और अनअकैडमी पे चूंकि ऐप पे मैंने आपको बोला फॉलो करने के लिए, तो ये क्लासेस के शेड्यूल से वहाँ पे भी देख लीजिएगा, ठीक है ना. आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. All the best. Bye-bye. Take care.